नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फेवरेट फार्मिंग में। और ले गए हैं आपके लिए कमाल की मशीन। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आए हैं पंतनगर मेले में। पंतनगर का 110वां मेला है, ठीक है। आज आपको दिखाएंगे BCS के प्रोडक्ट, खासकर ये जो मशीन है BCS की, काटने की, बांधने की, कौन सी आपको लेनी चाहिए और कौन सी सबसे बढ़िया मशीन होती है। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थोड़ा सा अपने बारे में और मशीनों के बारे में बताइए। धन्यवाद। इसको मैं पकड़ कर, धन्यवाद। ये जो आप जो मशीन देख रहे हैं, ये BCS इंडिया की मशीन है। इससे हम लोग कटाई का काम कर सकते हैं, गेहूं का, धान का, ये सब। सर, पहले अपना एड्रेस बताओ पूरा। जी। हम लोग दर्शन एग्रीटेक, रामपुर रोड, भाजपुर में हम लोग अपना, हमारा दुकान है। और BCS के हम लोग ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं उत्तराखंड के अंदर। जी, जी। और हमारी पिथौरागढ़ के अंदर भी ब्रांच है और भाजपुर में भी ब्रांच है। अच्छा। तो सारा हम कुमाऊँ का जो क्षेत्र है वो हम लोग BCS का हम लोग देख रहे हैं। जी, अब बताइए इस मशीन के बारे में। इस मशीन के खूबी ये है कि ये कटाई का काम करता है। इससे हम धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सब चीज़ें काट सकते हैं। ये जो मशीन है जो आप देख रहे हैं, इसका इंजन जो है 7 हॉर्स पावर का इंजन है। 7 HP का इंजन है जो कि पेट्रोल चलित है। जी, जी। और इसका हम लोग 2 घंटे में लगभग लगभग 1 एकड़ हम लोग इससे कटाई कर सकते हैं। 2 घंटे में 1 एकड़? 1 एकड़। सर, कौन कौन सी फसल काट सकते हैं इससे? हम लोग धान काट सकते हैं, गेहूं काट सकते हैं, सोयाबीन काट सकते हैं। इस किस्म की सारी फसलें हम लोग इससे मशीन से काट सकते हैं। अच्छा सर, बात करें सब्सिडी काट के कितने की मशीन पड़ती है? देखिए जी, सब्सिडी जो है कृषि विभाग द्वारा इसमें प्रदान की जाती है। तो जो सब्सिडी का जो इसमें प्रावधान है वो है 50% सब्सिडी जो है वो कृषि विभाग द्वारा किसान को दी जाती है। चलिए अगली मशीन के ऊपर और बढ़ते हैं, इसके बारे में बताइए सर। ये हमारा मिनी रोटरी टिलर है। जी। ये ग्रेशिया हमारा है 105B। जी। ये जो है 8 HP का हमारा पावर टिलर है, पावर वीडर है। इसके साथ हम लोग स्प्रे पंप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। इसके साथ एक स्प्रे पंप लगा हुआ है। जी, जी। जो कि दवाइयाँ स्प्रे करने के लिए भी काम आता है। अच्छा, स्प्रे भी कर सकते हैं? स्प्रे भी कर सकते हैं इसके साथ। ये मल्टी फंक्शनल अटैचमेंट इसके साथ लग जाती हैं। दूसरी खास बात क्या है कि इसमें हम अटैचमेंट उतार के वाटर लिफ्टिंग पंप भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये भी पेट्रोल चलित है, 1 घंटे में 1 लीटर पेट्रोल लेता है। अच्छा। और लगभग लगभग 3 घंटे में 1 एकड़ जुताई करता है। इसका क्या प्राइस रखा है सर? इसका प्राइस हम लोगों ने 72,000 रुपये रखा है। 72। चलिए अगली इसके ऊपर बढ़ते हैं। इसमें और इसमें क्या अंतर है सर, इसके बारे में बताइए। इसका भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाओ यार। जी देखिए, इसकी और इसकी हॉर्स पावर में फ़र्क है। अच्छा। ये जो है 6.5 हॉर्स पावर का है, होंडा इंजन के साथ है ये भी प्रोडक्ट। और इसके साथ भी सेम जैसे अटैचमेंट उसमें लगी हैं, इसमें लगी हुई हैं। इसमें सिर्फ रोटावेटर की विड्थ का फ़र्क है। जैसे वो उसका रोटावेटर 2.5 फीट का है, इसका 2.25 फीट का रोटावेटर है, जिसके कि हम लोग इससे गन्ने की गुड़ाई, सब्जियों की गुड़ाई, नराई, बिजाई, ये सारे काम इस यंत्र के साथ हम लोग कर सकते हैं। मेले में क्या छूट दी जा रही है सर इसमें और क्या प्राइस है? मेले का प्राइस इसका जो है 68,000 है और मेले में 65,000 का हम लोग इसको 3,000 की छूट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं, इसके बारे में बताइए सर। ठीक है, ये भी अब मिनी पावर वीडर है। ये 5.5 हॉर्स पावर का है। इसके साथ सिर्फ हम लोग जुताई का काम कर सकते हैं, बाकी अटैचमेंट इसके साथ जैसे हम उनमें देखिए है, वो अटैचमेंट इसके साथ हम नहीं लगा सकते। मतलब बागवानी का काम तो कर, बागवानी का काम और किचन गार्डन का काम के लिए बेहतरीन मशीन बनाई है। इसका क्या प्राइस है सर? इसका प्राइस है 55,000 रुपये। बहुत बढ़िया। जी ठीक है, किसान भाइयों आ गई सबकी चाहिए थी बेहतरीन मशीन, गेहूँ काटेगी भी बांधेगी भी। सर इसके बारे में बताइए थोड़ा डिटेल से। देखिए जी, ये BCS का प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बाइंडर। पहले आपने देखे होंगे 3 पहिए की रीपर बाइंडर मशीन आती थी, अब कंपनी ने सुधार करके 4 पहिए की रीपर बाइंडर मशीन बनाई। 3 पहियों में ये दिक्कत होती है, जो ड्राइवर होता था ना उसको ड्राइव करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। जी हाँ, उसको ड्राइव करने में दिक्कत आती थी और उसका कटर बार उठाने में दिक्कत आती थी। अब आप जैसे कि इस मशीन को देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोलिक पंप दे रखा है। किसान सीट के ऊपर बैठ के ही हाइड्रोलिक के लीवर से ही इसका कटर बार को ऊपर नीचे कर सकता है। ट्रैक्टर की तरह ये चलती है, क्लच और ब्रेक्स और सारा स्टीयरिंग इसको दे रखा है। अब इसको चलाना बहुत ही आसान हो गया है। इस मशीन की कार्य क्षमता है 1.5 घंटे में 1 एकड़ काट के ये बांध देती है। अच्छा, अच्छा, और 1 घंटे में 1 लीटर डीजल देती है। अच्छा, 1 घंटे में 1, ये डीजल ऑपरेटेड है? ये डीजल ऑपरेटेड मशीन। अच्छा, हमें बताइए धागा, किसान भाइयों की बहुत ही समस्या, मतलब बहुत ही कमेंट आते हैं, धागा ये यूज करें या वो जूट वाला आता है वो यूज करें? देखिए जी, धागा इसमें 2 तरीके का धागा इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक का धागा यूज कर रखा है। ये धागा थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। जिन किसान भाइयों ने अपना तूड़ी का काम नहीं करना, जो कि भैंसों के लिए नहीं करना, वो इस धागे को यूज़ कर सकते हैं। जिन्होंने अपने ढोर डंगर के लिए दूसरा भूसा बनाना, उसके लिए वो लोग जूट का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इसकी प्राइसिंग क्या रखी है मशीन की? मशीन जो है 5,10,000 की है और कृषि विभाग द्वारा इसके ऊपर 2.5 लाख के रुपये की छूट प्रदान की जा रही है। तो ये मात्र आपको किसान भाइयों 2.5 लाख रुपये में पड़ेगी मशीन? जी जी, कृषि विभाग की अगर छूट मिलती है तो 2,60,000 रुपये की मशीन किसान को पड़ रही है। सर एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है किसान भाइयों,
है या गेहूं ही काटती है और भी फसल काटती है? नहीं जी, आप इसके साथ ये कटर बार इसका बदल जाता है, यहाँ से चार नट खोल के चार उधर के चार ये कटर बार निकल जाता है, इसके साथ में फिर धान काटने वाला कटर लग जाता है। धान काटने वाला कटर अलग से आएगा? अलग से लग जाता है, उसके साथ वो कटर हटाकर हम लोग सोयाबीन काटने वाला भी लगा सकते हैं, जौ बाजरा जवी इस तरीके की फसलें भी हम इस मशीन से काट सकते हैं। तो इस तरीके का है जी, इसमें हम लोग विभिन्न तरीके के यंत्र इसमें कटर बार लगाकर इससे काम ले सकते हैं। और इसका एक हम लोगों ने अटैचमेंट बनाया स्प्रे पंप, इसके साथ यहाँ पर स्प्रे पंप फिट हो जाता है, जब किसान भाइयों का कटाई का सीजन नहीं है तो स्प्रे का काम भी बहुत बढ़िया करती है। सर हमें बताइए, किसानों के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, जैसे कि आपने इसका प्राइस बताया 5,10,000 रुपए, तो पूरी पेमेंट जमा करनी पड़ती है? सब्सिडी तो बाद में ही आती होगी ना? जी हाँ, किसान को एक बार पूरी पेमेंट जमा करनी पड़ती है और जो सब्सिडी है किसान के खाते में आती है। अच्छा, बाद में एक सवा महीने का? जी हाँ, इतना बजट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसान ने आजकल किसानों के लिए DBT सुविधा शुरू की गई है, तो UP के अंदर तो टोकन कटते हैं, अगर एक बार किसान का टोकन कट जाता है तो उसको सब्सिडी मिलती ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पावर वीडर है 720 MC 720, ये 5.5 horsepower पेट्रोल इंजन के साथ है। इसके साथ हम लोगों ने कटर बार फिट कर रखा है। अच्छा, ये कटर बार है। इस कटर बार को हम लोग घास काटने का काम और इससे जो है चारा काटने का काम, बरसीन वगैरह काटने के काम में ये कटर को ले सकते हैं। सर कौन कौन से चारा काटते, मतलब छोटा चारा है, बड़ा वाला नहीं, जो छोटा चारा है, घास है, छोटा बरसीन है, वो सब चीजें हम इस चीज से काट सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया यंत्र है और इसको निकाल कर हम लोग यंत्र भी इसके दूसरा कौन सा लगाएंगे सर? दूसरा इसके साथ रोटावेटर फिट हो जाता है। अच्छा, अगर इसको निकाल देंगे तो इसके साथ रोटावेटर भी इसके साथ फिट हो जाता है। इसका क्या प्राइस रखा है सर? इसका प्राइस कटर बार के साथ 1,70,000 रुपए है। अच्छा चलिए, अगले प्रोडक्ट के बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। किसान भाइयों आजकल बहुत चलन में है बैक रोटावेटर, जी बताइए। ये 2-wheel रोटावेटर है, 2-wheel इसको हम लोग ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं, मिनी ट्रैक्टर 2-wheel वाला। इसके साथ आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे रोटावेटर फिट है। इसमें खासियत क्या है, इसके टायरों की दूरी और हम लोग चौड़ाई इसकी कम कर सकते हैं किसान अपनी फसल के अनुसार। मान लो कि उसकी रो टू रो जो दूरी है कम बढ़ती उसको करना चाहे कर सकता है, उसी तरीके से रोटावेटर की भी हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें 8 horsepower का जो है पेट्रोल इंजन लगा होंडा का और 1 घंटे में 1.25 liter पेट्रोल की। बहुत बढ़िया जी। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 1,75,000 है और सब्सिडी जो है किसानों को इसके ऊपर 65,000 की सब्सिडी आ जाती है। किसान भाइयों BCS की एक हर बात है, हर प्रोडक्ट पर आपको 50% की कम से कम सब्सिडी मिलती है। ठीक है जी, अगले प्रोडक्ट के बारे में बताइए। इसकी अगर बात करें, ये मॉडल है हमारा 742, ये 9 horsepower डीजल इंजन के साथ है। 9 horsepower में? जी हाँ, 9 horsepower डीजल इंजन है। आप ये जो यंत्र देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिज टू। इसका इस यंत्र का काम यह है कि जो किसान गन्ने की या केले की बुआई करते हैं उसमें मिट्टी चढ़ाने के काम आता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है, आप इसको कम बढ़ती करके मिट्टी की दूरी कम और बढ़ती कर सकते हैं। तो ये स्पेशली नाली बनाने के काम में और मिट्टी चढ़ाने के काम में आता है। ये अटैचमेंट सब जो है इसके साथ आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से अटैचमेंट लगाएंगे सर? जो पीछे रखे वो लगा देंगे? पीछे अटैचमेंट्स पड़ी हैं वो सारी अटैचमेंट इसके साथ हम लगा सकते हैं। अच्छा, इसका प्राइस क्या है सर? इसका प्राइस जो है जी 2,15,000 रुपया है। 2,15,000 रुपये सब्सिडी? सब्सिडी इसके ऊपर भी 65,000 रुपये की है। अच्छा, अब सर हमारे किसान भाई पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, अगर कोई खरीदना चाहते हैं उसके लिए आप एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, अगर आना चाहते हैं प्रॉपर एड्रेस बता दो। जी हाँ, हमारा एड्रेस है दर्शन एग्रीटेक, अपोजिट पंजाब एंड सिंध बैंक, रामपुर रोड, भाजपुर। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9837047606। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप हमारा शोरूम भी विजिट कर सकते हैं। और जो किसान भाई इसका डेमो लेना चाहते हैं तो हमारे पास डेमो की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। सर बहुत बहुत जानकारी दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार की मशीन की जानकारी आप चाहते हैं, सर का कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे दिया है, आप इनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।